सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फाइनली सैमसंग ने A51 को एंड्रॉयड 11 बेस्ट वन यूआई 3.0 का अपडेट दे दिया है इंडिया के अंदर। और बात करें अपडेट फाइल की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2GB का अपडेट फाइल है, फरवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है दोस्तों। और इस अपडेट में काफ़ी सारे नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं इस अपडेट का रिव्यू करूंगा दोस्तों कि एंड्रॉयड 11 और वन यूआई 3.0 अपडेट आने के बाद A51 में क्या कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं सैमसंग की तरफ से, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 200 लाइक, 200 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त पीयूष। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं लॉक स्क्रीन से। तो लॉक स्क्रीन में कुछ चेंजेस किए हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ में जो लॉक स्क्रीन में विजिट्स आते हैं उसको सैमसंग ने कस्टमाइज करने का ऑप्शन दे दिया है दोस्तों। बात करें नेक्स्ट चेंजेस की तो यहाँ पे होम स्क्रीन में सैमसंग ने किए हैं। अगर आप किसी एप्लीकेशन पे लॉन्ग टैप करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसको भी सैमसंग ने ट्रांसपेरेंट कर दिया है दोस्तों। साथ में जो होम स्क्रीन में विजिट्स आते हैं उसको भी सैमसंग ने कस्टमाइज करने का ऑप्शन दे दिया है दोस्तों। इसके अलावा रीसेंट टैब में भी ब्लर इफेक्ट ऐड कर दिया है दोस्तों, और सैमसंग ने ऐप ड्रॉवर में भी ब्लर इफेक्ट को ऐड कर दिया है दोस्तों। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट्स की तो सैमसंग ने नोटिफिकेशन पैनल को ट्रांसपेरेंट कर दिया है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग ने यहाँ पे सेटिंग्स के यूआई को चेंज कर दिया है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ में आपको काफ़ी सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले फ़ीचर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशंस में एक फ़ीचर देखने को मिल जाता है, जो कि है सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अब सिस्टम साउंड के अलावा वाइब्रेशंस का भी कंट्रोल देखने को मिल गया है। ये फ़ीचर नया ऐड किया है सैमसंग ने A51 में वन यूआई 3 अपडेट होने के बाद। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट फीचर की तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में ही नोटिफिकेशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर भी सैमसंग ने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। अब आप नोटिफिकेशंस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो ब्रीफ में नोटिफिकेशंस रख सकते हैं या फिर डिटेल में भी नोटिफिकेशंस रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रीफ में अगर आप रखते हैं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, और डिटेल्ड में अगर आप रखते हैं तो इस तरह से देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में भी चेंजेस किया गया है दोस्तों। अगर आप कोई भी म्यूजिक प्ले करते हैं तो यहाँ पर टॉप में प्ले होगा दोस्तों। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट फीचर की तो यहाँ पर सैमसंग ने डिस्प्ले में आपको दो नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एक तो है अपग्रेडेड एज पैनल और एक है अपग्रेडेड एज लाइटिंग। तो दोनों ही फीचर्स पहले से अवेलेबल हैं सैमसंग A51 में, लेकिन दोनों ही फीचर्स को अपग्रेड कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले बात करें एज पैनल की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लर इफेक्ट को ऐड कर दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा एज लाइटिंग में सैमसंग ने कुछ इफेक्ट्स को ऐड कर दिया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की तो यहाँ पर सैमसंग ने डिवाइस केयर में आपको पावर सेविंग मोड जो देखने को मिल जाता है दोस्तों उसके अंदर चेंजेस किए हैं दोस्तों, उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है दोस्तों। और अब आप और भी अच्छी तरीके से अपने बैटरी को सेव कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको एडवांस्ड फीचर्स में 100 मोड देखने को मिल जाता है दोस्तों, जिसको सैमसंग ने और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड कर दिया है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर ब्लर इफेक्ट को भी ऐड कर दिया है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं।
साथ ही यहाँ पर आपको फ्लोटिंग आइकन भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जब भी आपको कोई नोटिफिकेशंस आएगा यहाँ पे बबल्स में शो होगा या फिर स्मार्ट पॉपअप व्यू में शो होगा दोस्तों, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको एडवांस्ड फीचर्स में ही मोशंस एंड जेस्चर में आपको दो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि है डबल टैप टू स्क्रीन टर्न ऑन, डबल टैप टू स्क्रीन टर्न ऑफ। तो ये फीचर वर्क कैसे करता है दोस्तों, मान लीजिए आपके डिवाइस की स्क्रीन ऑफ है दोस्तों, तो जब आप डबल टैप कीजिएगा तो वो ऑन हो जाएगा दोस्तों, और अगर आपका डिवाइस का स्क्रीन ऑन है तो डबल टैप कीजिएगा तो वो ऑफ हो जाएगा दोस्तों। ये भी फीचर नया ऐड हुआ है। बात करें अगले फीचर की, तो अगला फीचर है स्वाइप टू कॉल और टेक्स्ट। तो ये फीचर काम कैसे करता है दोस्तों, मान लीजिए आप अगर किसी को कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, तो आप जब अपने फ़ोन डायलर में होंगे दोस्तों, तो जब आप लेफ़्ट स्वाइप कीजिएगा तो कॉल कर सकते हैं, राइट स्वाइप कीजिएगा तो मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये फीचर को आप ऑन या ऑफ नहीं कर सकते थे, लेकिन वन यू आई थ्री में अब आपको इस फीचर को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन आ चुका है दोस्तों। अब आप इस फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मान लीजिए आप कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई अगर आप डिवाइस कनेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आप मान लीजिए उसे डिसकनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा डिसकनेक्ट का, या फिर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट का भी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। यह भी फीचर नया ऐड हुआ है वन यू आई थ्री अपडेट होने के बाद। साथ में यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में सैमसंग ने चेंजेस किए हैं, इसके यू आई को सैमसंग ने चेंज कर दिया है दोस्तों। साथ में आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स और भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला फीचर है कॉल बैकग्राउंड का दोस्तों। तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको फोन्स एप्लीकेशन में जाना है, उसके बाद आपको ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अब आप कॉल स्क्रीन के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट और बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं कॉल स्क्रीन में। इसके अलावा यहाँ पर एक और फीचर है जो कि है कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग एप्स। तो ये फीचर वन यू आई टू में भी था, लेकिन वन यू आई थ्री में इसके यू आई को सैमसंग ने चेंज कर दिया दोस्तों, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग ने काफ़ी सारे और भी चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहला एक फीचर है मैसेजेस में, तो यहाँ पर मैसेजेस में भी अब आपको रिसाइकिल बिन का ऑप्शन देखने को मिल गया है दोस्तों। इसके अलावा गैलरी एप्लीकेशन को सैमसंग ने कस्टमाइज कर दिया दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शंस देखने को मिलते थे उसको नीचे के साइड कर दिया गया है दोस्तों। जो सेटिंग्स है, रिसाइकिल बिन है, वो अब नीचे के साइड देखने को मिल गए हैं दोस्तों। साथ में अब आपको फ़ोटो एडिटर में भी चेंजेस देखने को मिल गए हैं दोस्तों। फ़ोटो एडिटर को भी अपग्रेड कर दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर माई फाइल्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पे कुछ फीचर्स को ऐड कर दिया गया है। तो और भी काफ़ी सारे फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं दोस्तों। तो अगर आप अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे नए फीचर्स आए हुए हैं। इसके अलावा कुछ बग्स भी हैं, क्योंकि मेजर अपडेट में कुछ बग्स रहते हैं, तो कुछ बग्स हैं। तो अगर आप अपडेट करना चाहें तो सेटिंग में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कीजिए, आपको एंड्रॉयड 11 बेस्ट वन यू आई थ्री का अपडेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।